अब आगे बहुत मसले हैं, मसले हैं, आप ही शेड्यूल कर सकते हैं। दूसरा महकालाल बुलवाड़े जैसा कोई भी लीडर पार्टी नहीं कर सकता सिवा आपके। जिंदगी बाकी रहे, पूरा मरे दम तक आप सब काम करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम जरूरत पड़ेगी आपके घर के आगे बातचीत। शुक्रिया हमारे भाई साहब मरे, शुक्रिया। पहले हमारे को क्या है, हमारे साहब के जैसे जो है ना लीडर की जरूरत है हमारा। सही बोले, सही है। अब वो कब तक जो है ना हम लोग आ गए ना, खाली वो एक ही पीछे बात कर रहे ना, परेशान नहीं। This video present by Barker's Public School Gulbarga. Your kids deserve the best education. Interactive and engaging activities, holistic teaching and learning. 2023 admission are in progress, nursery to grade 9. Address behind KNZ Garden Function Hall, Ring Road, Gulbarga. आप हमारी दुआ है अल्लाह से कि आप घूमत में आए, आप हमें ले रहने आगे। नहीं नहीं, आपकी जरूरत है साहब, आपको हम रेडियस के से कुछ भी करना है साथ देना है, हमारी जितनी कोशिश है हम करेंगे। वादा है, ये भी इंशाल्लाह अच्छा है, बिल्कुल साथ देने से कर दिया। सबसे साथ देते बोले तो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। वायदा है आपका? बिल्कुल इंशाल्लाह। हर चीज़ आप जी जी बिल्कुल, नज़र है, नज़र है आपकी हर चीज़ के ऊपर। और क्या, हर रोज न्यूज़ के जरिए से आपकी बात देखते हुए, शो वगैरह देखते रहते हैं आपकी बात। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका काम तो सुनते रहते हैं जी, आप बोलने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है इंशाल्लाह हमारा साथ आपके साथ रहेगा इंशाल्लाह। इस बार जरा साथ दीजिए सब लोग। घर कैसे रहा, आपको मालूम है करो कैसे रहते सुना। इस बार भी साथ देना, वोट डलाइए, वोट डालिए, घर पे डलाइए भी, ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाएगी। हालात जरा इस बार इंसाफ करते बोले तो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दो इलेक्शन हारा हूँ, बिल्कुल यकीन है आपके इसमें। आप वायदा करें तो आगे वायदा है, क्या इस बार साथ देना है? नहीं नहीं, बेशक बेशक, आप जीते अल्लाह करे, आप मोहम्मद हैं। अम्मा जरा साथ दीजिए इस बार, दुआ दुआ जो करो, जीते हमारी दुआ है अल्लाह से कि आप मोहम्मद में आए, आप हमें ले रहने आगे। नहीं नहीं, आपकी जरूरत है साहब, आप उनकी खामोशी भी देख रहे हैं, कोई काम का नहीं है। इस बार साथ दीजिए, आपके लिए लड़ता हूँ, आपके लिए बात करता हूँ, कोई बोलने से नहीं। आप अभी से लोगों को बात करने का एक वादा करो, जिनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं वही लोग साथ नहीं दे रहे हैं, जिनके लिए लड़ रहे हैं वही अगर साथ नहीं दे रहे हैं तो लड़ाई बेमानी है। मतलब आप अगर चाहते हैं कि आपके लिए मैं आगे बढ़ के आपके लिए आवाज़ उठाऊँ, असेंबली में भी बात करूँ, ऐसे नाजुक हालात हैं। नहीं नहीं बिल्कुल सही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, NRC का मामला है, ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, हिजाब का मामला चल रहा है। आपको इस चीज़ में नॉलेज भी है सर, अभी जमाने से वक्त से लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला आज ने तो कल आपके कामयाबी कदम कदम चुमेंगी। हम अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो हक है अल्लाह ताला उसको कायम करे। आमीन 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 आमीन। आगे बढ़िए बोल के अगर आप मेरे को बोलते हैं तो मैं आपका साथ दूंगा। आज जरूरत है असेंबली में बात करने वालों की, जरूरत है मुसलमानों की, जरूरत है जो कन्नड़ा जानते हैं बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ज़रा लोगों तक आप बात पहुँचाए तो वायदा है सर। बस आए हैं आपसे इजाज़त लेने के लिए, आप अगर वायदा करते हैं साथ देने के, हम आगे आगे बढ़ते हैं। वो आपको पूछने आए हो क्या करना है इस बार, ठहरना नहीं ठहरना? ठहरो साहब, आप साथ दे दो, ठहरता हूँ, साथ दे दो। देख रहे हालात, देख रहे हैं सब, हालात देख रहे हैं हम तो, हमारे होश हमारे जब से हम इसी बड़े अब तक रोड पर बीच में पुलिस वाले उठा उठा कर ले जाते थे, फिर बैठना फिर आके उनको देखो बाकू जाना था, उनका काम कर रहे हैं उनको बैठा देते, जब अब नहीं है वो ब्रेड, अब उनसे हम उनको बोलते नहीं हम नहीं आ सकते, वो पैसे दे जाते। आप साथ दीजिए इस बार, जब तक हम हैं आपके साथ रहेंगे, क्या भी प्रॉब्लम रहे तो मैं रहता हूँ। आप सब साथ दिए तो आगे बढ़ सकते हैं। क्या करना भाई इस बार, इलेक्शन ठहरना नहीं ठहरना? हम लोग दो इलेक्शन लड़े हैं, इलेक्शन लड़ना फिर लोगों के साथ सब जज्बात लगते हैं, उसमें मेहनत लगती है, तकलीफ भी होती है हारने के बाद इंसानों को। 40 साल से एक ही घर को वोट डाल रहे हैं, एक ही घर में सोए हुए हैं, उनकी खामोशी देख रहे हैं, फिर भी वही कर रहे हैं। हम आपके लिए हर मामले में आगे बढ़ रहे हैं,
आप सब लोग इंसाफ करते इस बार बोले तो आगे बढ़ सकते हैं, और मिल्लत के साथ भी इंसाफ करना है, पर साथ देते बोले तो इलेक्शन लड़ते हैं। वादा करना आज से आप सब लोग उनको बात करना, क्योंकि हालात देख रहे हैं आप, नाजुक होते जा रहे हैं, कैसे कैसे मामले आए हैं, जो जीते हैं उनकी खामोशी भी देख रहे हैं, किसी मामले में बात नहीं कर रहे हैं। मैं हर मामले में आगे बढ़ रहा हूँ, आपके लिए ठहर रहा हूँ, बिल्कुल। अब आपके लिए हम लड़ रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, आप अगर साथ दिए तो आगे लड़ने में मतलब है, नहीं तो हमारी पूरी लड़ाई बेमानी है, मतलब की नहीं है। जिनके लिए लड़ रहे हैं उनको ही कोई एहसास नहीं है तो मतलब है। हारने के बाद जो हिम्मत नहीं हारे, हर मामले में आगे बढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, हर मामले में, और एक इलेक्शन के अंदर बहुत मेहनत भी लगती है, जज्बात लगते हैं, पूरी टीम लगती है साथ में, हारने के बाद तकलीफ भी होती है। हम दो हारने के बाद नहीं कह रहे हैं, आसान चीज़ नहीं है, सब हारने के बाद हर मामले में बढ़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लड़ना तो जनता के लिए जरूरी है, आप देख रहे हैं ना, साथ देना पड़ेगा, मगर आप किसी ने बिल्कुल साथ देना पड़ेगा, मेरे उनके लिए लड़ रहे हैं, अगर उनको उस चीज़ का एहसास नहीं है तो लड़ना ही हमारी लड़ाई बेमानी है, मतलब कि नहीं, इसलिए आपसे ही पूछना, कोई आप अगर साथ देते हैं इस बार, वायदा करते बस ये बार भी ऐसी कर रहा है, आप लोगों का साथ दीजिए, कोई रिलेशन बहुत, मैं आपको आपके समाज के साथ, आपके साथ हमेशा रहूंगा, मेरे को आप साथ बिल्कुल, भाई आपसे मुलाकात करने आए हैं, कोशिश जा रही है, सब लोगों को बोल रहे हैं, हमें हालात सब चीज़ें समझाना होगा, सब लोगों को अभी से बात करो, आप बड़ी बात तो नहीं कर, अल्लाह माफ़ करे, आप बैठे लड़ो सब, बैठ आपकी दुकान है, आपका सगन कमर साहब है, मेरे कदर जोरी चंद आप जो करें दूसरा आदमी नहीं कर सकता, अब आगे बहुत मसले हैं, आप ही हैंडल कर सकते हैं, दूसरा महिकालाल गुलबर्गे का कोई भी लीडर पार्टी नहीं कर सकता सिवाय आपके, जिंदगी बाकी रहे पूरा मरे दम तक आपसे काम करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हमको जरूरत पड़ी तो आपके घर पे आगे बातचीत, शुक्रिया हमारे भाई साहब है बड़े, शुक्रिया ऐसे तौर पर आपसे पूछने आए हैं, आप साथ देते बोलो तो आगे फिर सकते हैं इंशाल्लाह आपके साथ, जरा मेरे को वायदा करना, आप दोस्तों को अपने रिश्तेदारों को बोलेंगे पहले बोल दिया, हमारे को क्या है, हमारे साहब के जैसे जो है ना लीडर की जरूरत है हमारे, सही बोले, सही है, अब कब तक जो है ना हम लोग जो है ना खाली वो एक के पीछे भाग कर जो है ना परेशान हो, नहीं हमारे साहब की जो खूबियाँ जो है ना हम तकरीबन दिनों से देख रहे हैं, अब थोड़ी बहुत जरा नजर आ रहे हैं आप में भी, ये सारी चीज़ें आप अगर साथ देते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बिल्कुल बढ़ना चाहिए, वरना हम खुद चाह रहे हैं जो है ना बढ़ना चाहिए, कोई एक चाहिए हमारे को गुलबर्गे में, हमारी छुट्टी के लिए कुछ काम करने आना है, गुलबर्गे में बोलने वाला चाहिए जरा, इसी बात में इंशाल्लाह वादा है आपका, इंशाल्लाह ताला आप अगर साथ देने का वायदा करते हैं, क्योंकि जिनके लिए लड़ रहे हैं उनको इस चीज़ का नहीं है तो हमारी पूरी लड़ाई बेमानी है, मतलब कि नहीं, हालात NRC अभी आगे आ सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, ये सारे मामला असेंबली में करना में बात करने की ज़रूरत पड़ती है, समझ होना है, और मुसलमान ही कर सकता है, क्योंकि शरीयत में क्या क्या चीज़ें मुदाखिलत हो रही है वो एक मुसलमान को ही बात करना है, ये भी इन पहलुओं पे आप अगर सोच के लोगों को समझाएंगे तो इंशाल्लाह सही फैसला होगा, इंशाल्लाह आप पार्टियों के नाम पर मेरे साथ ना इंसाफी मत कीजिए, नहीं नहीं इंशाल्लाह आप जरूर करेंगे ना, हाँ वायदा है आपको, नहीं इंशाल्लाह जरूर पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह।